अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लीपर्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रेल सेक्शंस कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, लेंथ क्या होती है अलग अलग गेजेस के लिए, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के लिए, और रेल के फेलियर के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा स्लीपर्स। तो आपका पूरा परमानेंट वे का क्रॉस सेक्शन तो याद ही होगा, सबसे ऊपर हमारा रेल था, उसके बाद हमने उसकी फास्टनिंग की थी और उनको स्लीपर से जोड़ा था। ठीक है, और स्लीपर के नीचे हमारे बैलास्ट थे, फिर फॉर्मेशन था, फिर सब ग्रेड था, और उसके बाद नेचुरल सबसॉइल। ठीक है, तो स्लीपर से हम सब जानते हैं क्या है। स्लीपर्स दे ट्रांसमिट व्हील लोड फ्रॉम रेल्स टू बैलास्ट। इसका काम क्या है, सिंपली हम ये रेल के नीचे इंस्टॉल कर देते हैं, जितना भी हमारे रेल्स के पास लोड आता है वो रेल किधर ट्रांसफर करता है, हमारे स्लीपर्स पे। ठीक है, एक रेल इधर है, दूसरी रेल हमारी ये है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा स्लीपर है। इसका काम क्या है, रेल्स के साथ जितना लोड आ रहा है इसको बैलास्ट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, यहाँ पर हमारे बैलास्ट है, ये पूरा हमारा स्लीपर बैलास्ट के बीच में एम्बेडेड है। और रेल्स में लोड कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर व्हील है, जो हमारी ट्रेन की व्हील है, ट्रेन की व्हील ने रेल पर लोड लगाया, यहाँ लोड ने स्लीपर को दिया, स्लीपर ने ट्रांसफर कर दिया वहाँ पर बैलास्ट में। क्या क्या फंक्शन होंगे स्लीपर के, होल्डिंग द रेल्स इन देयर करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट, यानी कि जो तुम्हारी रेल है उनका गेज मेंटेन रहे, गिविंग ए फर्म एंड इवन सपोर्ट टू द रेल्स, यानी जो रेल्स हैं इनको फर्म यानी दृढ़, और इवन सपोर्ट यानी सपोर्ट इनका इवन हो, यानी कि इनकी स्पेसिंग हमेशा जो स्लीपर्स हैं उनकी कॉन्स्टेंट स्पेसिंग रखेंगे, ताकि जो तुम्हारी रेल्स हैं इनको एक तरह से इवन सपोर्ट मिल सके, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है। ठीक है, ट्रांसफरिंग द लोड इवनली फ्रॉम रेल्स टू ए वाइडर एरिया ऑफ बैलास्ट, बता ही चुका हूँ कि जो रेल्स है इसमें लोड जितना आ रहा है वो स्लीपर में ट्रांसफर करेगा, स्लीपर का काम क्या होगा, उसको बैलास्ट ट्रांसफर कर देना। ठीक है, एक्टिंग एज एन इलास्टिक मीडियम बिटवीन रेल्स एंड बैलास्ट, रेल और बैलास्ट के बीच में एक इलास्टिक मीडियम तरह काम करता है। ठीक है, ताकि शॉक्स और वाइब्रेशन को ये डैम्प कर सके। प्रोवाइडिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी टू द परमानेंट वे, जो हमारा पूरा परमानेंट वे है उसकी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हम स्लीपर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है स्लीपर्स की, स्लीपर कैसे कैसे होना चाहिए, द इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ठीक है, इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों मिनिमम होना चाहिए। वेट ऑफ द स्लीपर शुड बी मॉडरेट सो दैट इट इज कन्वीनियंट टू हैंडल, समझ में आता है। द डिजाइन ऑफ द स्लीपर एंड द फास्टनिंग शुड बी सच दैट इट इज पॉसिबल टू फिक्स एंड रिमूव द रेल्स इजिली। ठीक है, कभी हमको जरूरत पड़ गई कि हमको रेल्स अनइंस्टॉल करना है, एक तरह से सारी रेल्स को हटाना है, तो हम स्लीपर्स ऐसे बनाए ताकि हम उसको रीयूज कर सकें। ठीक है, और हम जितनी भी रेल्स हैं उन सबको फिक्स कर सकें या रिमूव कर सकें जब भी हमको जरूरत पड़े। इसके अलावा स्लीपर्स शुड हैव सफिशियंट बेयरिंग एरिया सो दैट द बैलास्ट अंडर इट इट इज नॉट क्रश्ड, यानी अगर हम बहुत ही पतला स्लीपर बना देंगे, सपोज कि ये जो विड्थ स्लीपर की वो काफी अगर पतली हो गई तो क्या होगा कि कम एरिया में बहुत ज्यादा लोड ऊपर से लग रहा होगा, तो क्या करेगा, नीचे के बैलास्ट को क्रश कर देगा। तो इसलिए ये जो हमारा स्लीपर है ये सफिशियंट विड्थ का होना चाहिए, वही कह रहा है कि सफिशियंट बेयरिंग एरिया सो दैट बैलास्ट अंडर इट इज नॉट क्रश्ड, द स्लीपर शुड बी सच दैट इट इज पॉसिबल टू मेंटेन एंड एडजस्ट द गेज प्रॉपरली। ठीक है, इसको ऐसा होना चाहिए कि हम अपने गेजेस को मेंटेन कर सकें, यानी हम इसकी फास्टनिंग को रिमूव कर सकें, गेज को अपना मेंटेन करें यानी करेक्ट करें, और फिर से फास्टनिंग कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं स्लीपर्स की। अब स्लीपर डेंसिटी क्या होती है और स्पेसिंग ऑफ स्लीपर हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्लीपर डेंसिटी का मतलब कि हम पर किलोमीटर एरिया में कितने स्लीपर्स इंस्टॉल करें या कितने स्लीपर्स हम लगाएं। ठीक है, और उन स्लीपर्स की स्पेसिंग कितनी हो। तो देखो स्लीपर डेंसिटी क्या है, एक नंबर है ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, एक रेल लेंथ में कितने स्लीपर होने चाहिए। रेल लेंथ क्या है, हमने बताया था कि ब्रॉड गेज के लिए रेल लेंथ कितनी होती है, 13 मीटर। ठीक है, और मीटर गेज और नैरो गेज के लिए कितनी हुआ करती थी, 12 मीटर। ठीक है, तो इस रेल लेंथ में यानी 13 मीटर में जितने नंबर ऑफ स्लीपर्स हों उसको हम कहेंगे स्लीपर डेंसिटी। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि स्लीपर्स की स्पेसिंग कितनी रखें। ठीक है, तो स्लीपर्स की स्पेसिंग डिफाइन की जाती है एम प्लस एक्स से। ठीक है, एक तरह स्लीपर स्पेसिंग और स्लीपर डेंसिटी एक ही चीज़ हुई। ठीक है, क्योंकि अगर हमको ये पता चल गया कि एक रेल लेंथ में स्लीपर्स की स्पेसिंग कितनी है तो हम बता देंगे कि पूरी रेल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने लगाने हैं। ठीक है, तो जैसे अब हमारे स्लीपर डेंसिटी को हम कैसे दिखाते हैं, एम प्लस एक्स, वेयर एम इज द लेंथ ऑफ द रेल इन मीटर्स एंड एक्स इज द नंबर दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स सच एज एक्सल लोड एंड स्पीड टाइप एंड सेक्शन ऑफ रेल एटसेट्रा। ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि कितना एक्सल लोड लगने वाला है, यानी कितने एक्सल लोड की ट्रेन चलने वाली है, उसकी स्पीड कितनी होगी जब हम ट्रैक बनाएंगे। ठीक है, रेल जो हमने लगा रखी है किस टाइप की है, उसका सेक्शन भारी है कि हल्का है, ये बताता है कि तुम्हारा एक्स नंबर क्या होना चाहिए। ये कितना हो सकता है, ये 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब कुछ भी डिपेंड करता है कि हमारी रेल कैसा है और ट्रेन जो चल रही है उसका एक्सल लोड कितना आने वाला है, स्पीड कितनी होने वाली है। तो जब हमको ये एक्स पता चल जाता है तो एम प्लस एक्स इज आवर स्लीपर डेंसिटी।
जहां m क्या है, m है हमारी लेंथ ऑफ रेल, ठीक है। ब्रॉड गेज के लिए m हो जाएगा 13 मीटर गेज, और नैरो गेज के लिए m हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है। तो सपोज अगर तुमको ये पता है कि हमारा एक्सल लोड इतना है, स्पीड इतना है, सेक्शन ऑफ रेल में को पता है कि 90 आर है, और हमने दे दिया तुमको कि x की वैल्यू है 7, तो स्लिपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, m प्लस 7, ठीक है। ऑन ए ब्रॉड गेज रूट m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 मीटर। सो इफ स्लिपर डेंसिटी इज m प्लस 7 ऑन ए ब्रॉड गेज रूट एंड द लेंथ ऑफ रेल इज 13 मीटर, इट इंप्लाइज दैट 13 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 20 स्लीपर्स विल बी यूज्ड पर रेल लेंथ ऑफ द ट्रैक। यानी अगर ये 13 मीटर की आपकी रेल लेंथ है जो कि एक्चुअली होती है, ठीक है, तो x की वैल्यू हमने 7 दे रखी थी आपको, तो आपने फटाक से m प्लस 7 किया, m की जगह 13 रखा क्योंकि मैंने ब्रॉड गेज बोल रखा था, और वैल्यू निकल के आ गई 20। यानी अब 30 13 मीटर की आप रेल लेंथ में, पूरी एक रेल लेंथ में आप 20 स्लीपर्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने स्लीपर्स लगेंगे, तो पहले आप कहेंगे कि पहले ये बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने रेल्स लग रही हैं। तो 1 किलोमीटर सपोज 1000 मीटर, 1000 मीटर में 13 मीटर की पर रेल लेंथ है, तो हमको ये पता चल जाएंगे कि इतनी रेल्स लग रही हैं, और एक रेल के अंदर हम 20 स्लीपर्स लगा रहे हैं उसके नीचे, ठीक है। तो कितने स्लीपर्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया, यानी एक तरह से लगभग हमारा 1539 स्लीपर्स। यानी एक किलोमीटर का अगर आप ट्रैक बिछाएंगे ब्रॉड गेज, तो आपको लगभग 1539 स्लीपर तो एग्जैक्टली लगेंगे। अब इसको हम थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ की स्लीपर डेंसिटी। टाइप ऑफ स्लीपर्स, कितने तरह के स्लीपर होते हैं, लकड़ी के स्लीपर हो सकते हैं, वुडन स्लीपर है, कास्ट आयरन स्लीपर है, स्टील स्लीपर है, कंक्रीट स्लीपर है, ये सब आपको तो देख ही जाते हैं। अच्छा, अब इन सारे चारों तरह के स्लीपर्स के कुछ अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, तो हमने क्या किया, इसको सिंपली एक टेबलेटेड फॉर्म लिख दिया। जब आपसे क्वेश्चन आएगा कि आप वुडन स्लीपर के एडवांटेज बताइए और डिसएडवांटेज बता दीजिए, तो इसी टेबल से जो जो एडवांटेज है, जो जो डिसएडवांटेज है, आप उसको लिख दीजिएगा। इस तरह कास्ट आयरन, स्टील, कंक्रीट, मतलब एक तरह से टेबलेटेड फॉर्म में है, आप बस इसको ही पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज एडवांटेज में आएगी, कौन सी चीज डिसएडवांटेज में आएगी, और एग्जाम पेपर में वही लिख देना है। तो जैसे हमारा वुडन स्लीपर है, स्टील स्लीपर है, कास्ट आयरन स्लीपर है, और कंक्रीट स्लीपर है, सबसे अच्छी सर्विस लाइफ किसकी होगी, ये हमारे कंक्रीट स्लीपर, ठीक है, 50 से 60 साल चल जाता है, और वुडन स्लीपर की सबसे बेकार है, 12 से 15 साल तक ही चल पाता है वुडन स्लीपर, ठीक है। स्टील और कास्ट आयरन स्लीपर्स की लाइफ कितनी है, 40 से 50 साल। वेट ऑफ स्लीपर पर ब्रॉड गेज, ठीक है, कितना, 83 kg। यानी ब्रॉड गेज अगर तुम बिछाओगे तो पर स्लीपर तुम्हारा वेट कितना आ रहा है, 83 kg। ये आपके स्टील स्लीपर कितने हो जाएंगे, 79 kg के। कास्ट आयरन स्लीपर 87 kg के। कंक्रीट स्लीपर 267 kg के। बहुत भारी हो जाएगा कंक्रीट स्लीपर, यानी इसको ट्रांसपोर्ट करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज समझ रहे हैं ना कि क्या क्या हो रहा है। हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग कर सकते हैं, इसको मैनुअल हैंडलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। नो डैमेज टू स्लीपर व्हाइल हैंडलिंग, कोई डैमेज नहीं होगा क्योंकि लकड़ी के हुए हैं, ठीक है। नो डैमेज टू स्लीपर व्हाइल हैंडलिंग, फ्लीट में भी नहीं है। लायबल टू ब्रेक बाई रफ हैंडलिंग, जो कास्ट आयरन होता है ना, आपको पता है कि स्टील हमारा डक्टाइल होता है, कास्ट आयरन थोड़ा ब्रिटल होता है, तो अगर इसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं की तो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। कंक्रीट स्लीपर को तो आप मैनुअल हैंडलिंग करना ही नहीं है आपको, गेट्स वेरी डैमेज बाई रफ हैंडलिंग, तो आप उसके हमेशा मशीन हैंडलिंग करेंगे। मशीन हैंडलिंग क्या है कि एक गाड़ी जैसी होती है, वैगन होता है, वो इंस्टॉल करता जाता है एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे कंक्रीट स्लीपर्स को। अच्छा, फिर आता है हमारा टाइप ऑफ मेंटेनेंस, वुडन मैनुअल और मैकेनाइज्ड, स्टील भी मैनुअल और मैकेनाइज्ड, कास्ट आयरन मैनुअल, और कंक्रीट मैकेनाइज्ड ओनली, ठीक है। आपको पता है जब कंक्रीट को लगाया भी हमने मैकेनाइज्ड था, तो फिर उसकी हैंडलिंग भी तो मेंटेनेंस भी तो मैकेनाइज ही करेंगे। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, वुडन का हाई होगा, स्टील का मीडियम होगा, कास्ट आयरन का मीडियम होगा, कंक्रीट का लो मेंटेनेंस कॉस्ट, एक बार लगा दिया कोई मेंटेनेंस कॉस्ट जरूरत नहीं। गेज एडजस्टमेंट, ठीक है, वुडन में डिफिकल्ट, स्टील में इजी, कंक्रीट में नो गेज एडजस्टमेंट इज पॉसिबल, क्यों, क्योंकि हम पहले से ही कंक्रीट में एक तरह से जहां पर फास्टिंग करते हैं वहां पर पहले से स्लॉट बना के ही लाते हैं कंक्रीट का, ठीक है, कि हमको यहीं पर फास्टिंग करती है, एक फास्टिंग करना हुआ है, तो इसलिए कंक्रीट में हम चेंज नहीं कर सकते। कास्ट आयरन में क्या है कि हमने दूसरी जगह वेल्डिंग कर दी, तो एक तरह से यहाँ पर हम गेजेस अपना डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए स्टील और कास्ट आयरन जहाँ पर हम वेल्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा जगह पर हमने स्लीपर के यहाँ पर, सपोज ये स्लीपर है, तो पहले हमारे गेजेस यहाँ यहाँ लगे हुए थे गेजेस के लिए जो फास्टनिंग करनी थी, अब हमको लगा कि नहीं यार इसको हमको ब्रॉड गेज के लिए लगवाना है, तो हमने यहाँ और यहाँ पर वेल्डिंग करके फास्टनिंग कर दी रेल के साथ, ठीक है। लेकिन वुडन में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि पहले हमने यहाँ पर फास्टनिंग करने के लिए स्पाइक डाला था, तो स्पाइक क्या करता है, लकड़ी को फाड़ देता है, तो उसको भी हटाया, फिर हमने ब्रॉड गेज बनाने के लिए हमने यहाँ पर स्पाइक करना शुरू कर दिया, तो डिफिकल्ट है। लेकिन कास्ट आयरन और स्टील में तो सबसे अच्छा है कि आराम से वेल्डिंग कर दिया, कंक्रीट में तुम कर ही नहीं सकते वेल्डिंग, तो कंक्रीट में नो गेज एडजस्टमेंट इज पॉसिबल, एक बार लगा दिया तो हम उसको बार बार गेजेस चेंज नहीं कर सकते। तो तुम ये समझ रहे ना कि देखिए 50-60 साल लाइफ है इसकी, ठीक है, लेकिन भारी बहुत है, मैनुअल हैंडलिंग कर नहीं सकते, और लेकिन इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस काफी लो है, गेज एडजस्टमेंट इसमें नहीं कर सकते, तो ये कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, ये आपको पढ़ लेने हैं।
ट्रैक सर्किटिंग वुडन में बेस्ट होती है, स्टील में डिफिकल्ट है लेकिन इंसुलेटिंग पैड्स नेसेसरी है। कास्ट आयरन का भी सेम सीन है और कंक्रीट का इजी है। ट्रैक सर्किटिंग क्या होती है? ट्रैक सर्किटिंग होती है कि एक तरह से हम ट्रैक्स में सर्किट बिछाते हैं ये पता लगाने के लिए कि ट्रेन है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर हमारे स्टील के स्लीपर लगे हैं और कास्ट आयरन के स्लीपर्स लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे रेल्स तो जो हमारे स्टील की है मेटल की है उनके बीच में ट्रांसवर्स एक तरह से मेटल प्लेट्स बिछी हुई है, ये समझ लीजिए कि ये हमारी लंबी लंबी रेल्स है और यहाँ पर कास्ट आयरन की या स्टील के स्लीपर्स है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ट्रैक सर्किटिंग में बाईपास करवा दे रहे हैं करंट को, तो एग्जैक्टली उनको पता नहीं चल पाता कि ट्रेन कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा वुडन स्लीपर हो तो वुडन स्लीपर क्या करेगा, वुडन स्लीपर तो इंसुलेटिंग होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है रेल्स में वो सीधे आगे चली जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर वैगन है वैगन से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि वैगन कहाँ पर है। लेकिन हमारे अगर स्टील के या कास्ट आयरन के स्लीपर्स है तो क्या होगा कि हमारा जितना भी करंट है वो इधर से शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ इंसुलेटिंग पैड लगाने पड़ेंगे रेल्स के नीचे और स्लीपर्स के ऊपर ताकि इंसुलेशन बना रहे हमारे स्लीपर्स से और रेल्स के बीच में। वुडन में तो ऐसी समस्या ही नहीं, तो वुडन में तो सबसे बेस्ट है, ट्रैक सर्किटिंग आराम से हो जाएगी। कंक्रीट भी इंसुलेटिंग है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो यहाँ भी इजी रहता है। ये जो हमारे स्टील और कास्ट आयरन के स्लीपर्स है इसमें ट्रैक सर्किटिंग थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, डैमेज बाई व्हाइट आर्म्स एंड कोरोजन, हमारा जो वुडन है वो व्हाइट आर्म्स के कारण डैमेज हो सकता है, ठीक है। स्टील में तो कोई डैमेज नहीं होगा, कास्ट आयरन में कोरोजन हो जाता है और कंक्रीट में भी कोई डैमेज नहीं होता ना ही इसमें कोरोजन होता है, ठीक है। एक तरह व्हाइट और एक तरह से दीमक लग गया, ठीक है। और सुटेबिलिटी फॉर फास्टनिंग, तो जो हमारा वुडन स्लीपर है ये एक तरह से कन्वेंशनल फास्टनिंग और इलास्टिक फास्टनिंग दोनों के लिए सुटेबल है। ये दोनों फास्टनिंग क्या होते हैं हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम फास्टनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कन्वेंशनल फास्टनिंग जो पुराने जमाने में क्या करते थे, एक तरह से आपकी रिजिड फास्टनिंग है। फास्टनिंग का मतलब क्या होता है, रेल्स को रेल्स के साथ जोड़ना या रेल्स को स्लीपर के साथ जोड़ना, इसको हम फास्टनिंग कहते हैं। अभी जोड़ने की प्रक्रिया पुराने जमाने में किस तरह होती थी और अब जब नया जमाना आ गया है तो इलास्टिक फास्टनिंग हम लोग यूज करने लगे हैं, ये हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए कि वुडन स्लीपर्स में सुटेबल होता है, हम दोनों तरह की फास्टनिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टील के स्लीपर्स में भी हम ये कन्वेंशनल फास्टनिंग और इलास्टिक फास्टनिंग दोनों कर सकते हैं। जो हमारे कास्ट आयरन स्लीपर्स हैं ये केवल कन्वेंशनल फास्टनिंग के लिए सुटेबल है और कंक्रीट वाले केवल इलास्टिक फास्टनिंग के लिए सुटेबल, कंक्रीट थोड़े नए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्रैक इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी कौन ज्यादा इलास्टिक है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा स्लीपर इलास्टिक हो, ठीक है। इलास्टिक रहेगा तो क्या रहेगा, सॉरी इलास्टिसिटी, तो आप सुबह पढ़ा करते ना, इलास्टिसिटी क्या हुआ करती थी, जब हम लोड लगाते हैं तो हमारा मटेरियल डिफॉर्म हो जाए और लोड हटते ही वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो मटेरियल इलास्टिक है, ठीक है। तो हम अपने स्लीपर्स को भी इलास्टिक चाहते हैं, ये नहीं कि रेल निकल गई तो वो वैसे का वैसा ही डिफॉर्म्ड बना रहा, हम चाहते हैं कि हमारा स्लीपर के ऊपर से जब रेल गुजरे तो उसके बाद वापस वो अपनी पहली वाली अवस्था में वापस आ जाए। तो इलास्टिसिटी गुड है हमारी किसकी, वुडन की, कास्ट आयरन की और स्टील की भी गुड गुड है और हमारी कंक्रीट की बेस्ट है, ठीक है। क्रीप क्या होता है, आपको पता है कि जब ट्रेन किसी रेल्स में चलती है तो ट्रेन क्या करती है, रेल्स को भी अपने साथ ड्रैग करते हुए आगे ले जाती है। और अगर एक ही तरफ का ट्रैफिक हैवी है, मतलब एक तरफ ज्यादा ट्रेन जा रही हैं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि रेल्स आपकी अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे बढ़ गई, ठीक है। इस एक तरह से हम कहेंगे कि इस प्रोसेस या इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्रीप, ठीक है। क्रीप करते हुए हमारी रेल आगे बढ़ गई, तो जो वुडन स्लीपर्स होते हैं वो उतनी अच्छी तरीके से रेल्स को पकड़ नहीं पाते, तो वहां पर क्रीप सबसे ज्यादा होता है, एक्सेसिव, ठीक है। स्टील और कास्ट आयरन में लेस, और हमारा जो कंक्रीट का स्लीपर उसमें मिनिमम होता है। कंक्रीट एकदम जो हमारी रेल्स है उनको पकड़ के रखता है, क्यों, क्योंकि उसमें इलास्टिक फास्टनिंग होती है। इलास्टिक फास्टनिंग एक अच्छी और नई डेवलप फास्टनिंग होती है, ठीक है। तो हम कंक्रीट में इलास्टिक फास्टनिंग यूज करते हैं और जो रेल्स को अच्छी तरह पकड़ के रखता है, उसमें क्रीप कम होता है, समझ में आता है। स्क्रैप वैल्यू यानी जब स्लीपर का काम खत्म हो जाए, उसकी लाइफ खत्म हो जाए, तो वो कौन कितना अच्छा बिकेगा, तो वुडन स्लीपर की स्क्रैप वैल्यू बहुत कम होती है। स्टील के स्लीपर्स की हायर देन वुड, ठीक है, और कास्ट आयरन की हाई होती है। और कंक्रीट का तो नन, एक बार कंक्रीट को अपने यूज के लिए स्लीपर के बाद, तो जब उसकी 50-60 साल की लाइफ उसकी खत्म होगी तो आप ये नहीं कि उसको कहीं बेच दें, स्लीपर कहीं और काम नहीं आ पाएगा। लकड़ी का क्या, लकड़ी बेच दिया जलाने काम आ गया, या कहीं और वुडन वर्क होना तो वहाँ पर हमने वुडन स्लीपर यूज कर लिया उसकी लाइफ खत्म होने के बाद, और स्टील और कास्ट आयरन को तो हमने मेल्ट करके फिर से लोहा बना दिया, कुछ और बना दिया, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू हमारे वुडन स्लीपर की मिनिमम। अच्छा, फिर आता है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। देखो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या है, सबसे पहली बात तो ये हमारे वुडन स्लीपर के लिए ही अप्लाई होता है, वुडन स्लीपर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जब पहले जमाने में चला करते थे। तो इट इज एन इंडेक्स यूज्ड टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर टिम्बर फॉर द यूज एज ए स्लीपर, कौन सा टिम्बर स्लीपर बनाने के लिए सुटेबल है ये बताने के लिए हम एक कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। अब कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का फॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें दो टर्म है, एस और एच। एस क्या है, एस इज द फिगर फॉर जनरल स्ट्रेंथ एंड एच इज द फिगर फॉर जनरल हार्डनेस।
यानी कोई टिम्बर की स्ट्रेंथ कितनी है और वो टिम्बर हार्ड कितना है, इन दोनों पैरामीटर्स को हम यहाँ पर रखते हैं और हम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स निकाल लेते हैं। अब कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स कैसा है, उसके अनुसार हम उस स्लीपर को उस पर्टिकुलर जगह पर लगाते हैं ट्रैक में। यानी सपोज आपने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल ली, ठीक है, एस निकाल के आ गया, आपने हार्डनेस निकाल लिया विकल हार्डनेस या ब्रिनल हार्डनेस से और आपको एच पता चल गया, आपने इन दोनों वैल्यूज को पुट किया और कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स निकाल दिया। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स अगर आपका आ गया 792, ठीक है, 792 आया तो आप उस टिम्बर से बने हुए स्लीपर को कहाँ यूज करेंगे, क्रॉसिंग में तो आप नहीं यूज कर सकते, ब्रिज में भी नहीं यूज कर सकते, तो आप ट्रैक स्लीपर में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैक स्लीपर में मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स 783 ही चाहिए। 782 अगर हो गया तो आप उसको ट्रैक स्लीपर में भी यूज नहीं कर सकते, 792 है तो हम उसको ट्रैक स्लीपर में यूज कर लेंगे। अगर हमारा बहुत अच्छा टिम्बर है, एकदम हार्ड है और इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, तो सपोज अगर वो आ गया 1456, तो आप देख रहे हैं कि ब्रिज स्लीपर, उसमें हम सबसे अच्छा स्लीपर लगाते हैं जो हम ब्रिजेस में लगाते हैं स्लीपर, वो 1455 मिनिमम सीएसआई का होना चाहिए। 1456 है तो हम ब्रिज स्लीपर में उसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो तीन जगह हम लगाते हैं, या तो ट्रैक स्लीपर, या तो क्रॉसिंग स्लीपर, या तो ब्रिज स्लीपर। क्रॉसिंग स्लीपर क्या है, जो हम क्रॉसिंग लगाते हैं, आपको मैंने टर्न आउट पढ़ा था ना, टर्न आउट क्या होता था, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, आपकी ट्रैक ये बिछा हुआ एक तरफ जा रहा है और आपको कहीं दूसरी जगह मुड़ना है, ठीक है, तो इस टर्न आउट को कहते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, और ये काफी क्रिटिकल जगह होती है। इसलिए हम यहाँ पर जितने भी फास्टनिंग करते हैं, जितने भी स्लीपर लगाते हैं, जो भी रेल्स का मेटेरियल यूज करते हैं, वो हम एकदम बहुत अच्छा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर डरेलमेंट का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जहाँ ट्रेन मुड़ती है। तो क्रॉसिंग स्लीपर में हम 1352 मिनिमम सीएसआई का ही टिम्बर वाला यूज करेंगे स्लीपर, ठीक है। अलग ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि आपका कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या होता है, ये आपका स्ट्रेंथ और हार्डनेस, इन दोनों पैरामीटर्स बना करके एक इंडेक्स निकालते हैं जो ये बताता है कि स्लीपर को हमको किस जगह पर यूज करना है। तो स्लीपर में आप बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।